ॐ अज्ञानति मिरान्धस्य ज्ञात्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यमे गौरतविषये नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमो सुते वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति प्रदय देवी सत्यवते नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम पढ़ेंगे प्रेम व्रत का अगला अध्याय डिफरेंट कोर्स आर कंडक्ट फॉर डिफरेंट डिवोटीज। यदि भक्तों में भेद होता है और उनके आचार में भी भेद होता है। ऑन अनदर डे श्री स्वरूप दामोदर सेड टू श्री रघुनाथ दास ओ रघुनाथ आई एम गोइंग टू रिवील सम कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स टू यू। किसी दिन स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास से कहा हे रघुनाथ मैं तुझसे कुछ गोपनीय बातें करना चाहता हूँ कुछ गोपनीय बात मैं प्रकाशित करता हूँ। रिलीजन विदाउट दी वर्शिप ऑफ द लॉर्ड इज चीटिंग यानी धर्म बगैर भगवान की उपासना के ये केवल धोखा है। लोग कहते हैं हम तो पुण्य कर्म करते हैं हम सेवा करते हैं हमें भगवान से क्या लेना देना। उल्टा ये जितने गुण है ये आपके अंदर आपत्ति का कारण बनेंगे। कैसे? जब भगवान के भजन बगैर करोगे ये जो आप सत्कर्म करो ये अहंकार पैदा करेंगे और अहंकार मनुष्यों को पतन की ओर लेके जाता है। और बगैर भजन के ना अंतकरण शुद्ध होता है ना निर्मल होता है। इंसान प्रशंसा और प्रतिष्ठा के भाव से करता कि लोग मुझे भक्त माने मुझे श्रेष्ठ माने मैं बहुत बड़ा सेवादार हूँ मेरी जय जयकार हो प्रशंसा हो। जहाँ पे ये चीज नहीं मिलती है उसे क्रोध आ जाता है और वो फिर अनर्थ कर बैठता है और अपना पतन करा के लेता है। इसलिए बगैर भक्ति के कोई भी चीज़ हो वो सब धोखा ही है वो अनर्थकारी ही होती है। हर चीज़ भक्ति के साथ होनी चाहिए भजन के साथ होनी चाहिए वो भी कृष्ण कृष्ण भजन भगवान के भजन के साथ होना चाहिए। इन विच एवर वर्ण वन इज बॉर्न इन टू एंड इन विच एवर आश्रम ही बिलोंग्स टू ही शुड मेंटेन हिज लाइफ बाय फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन मेंट फॉर दोस वर्ण एंड आश्रम। यानी जिस वर्ण में है यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या जिस आश्रम में ग्रस्त वानप्रस्थ सन्यासी जो भी है ब्रह्मचारी तो कहते हैं उस वर्ण और आश्रम के अनुसार इंसान को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए जिस आश्रम में वर्ण में वो रहता है। दैट इज ए प्रॉपर एंड प्योर वे ऑफ लाइफ वही उत्तम तरीका है और शुभ तरीका है जीवन व्यतीत करने का। दूसरे की नकल ना करो। हर इंसान को भगवान ने योग्यता दी है कुछ गुण दिए हैं और हर एक की यात्रा अलग अलग होती है। हर इंसान अपनी योग्यता और गुणों के अनुसार भगवान की सेवा करे क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई गुण ना मेरे अंदर वो गुण नहीं है मैं उसकी नकल करूँगा तो मैं अपना सत्यानाश कर सकता हूँ। जो गुण जैसे समझो कोई रसोई अच्छी बनाता है कोई कीर्तन अच्छा करता है तो अगर जो कीर्तन अच्छा कर उसको उसी में रुचि है उसको रसोई बोले बनाने को नहीं बना पाएगा। और जो रसोई बनाता है उसमें बहुत कुशल है उस बड़े प्रेम से बनाता है उसको कि तो कीर्तन का वो नहीं कर सकता तो करने लगेगा तो वो सब सत्यानाश हो जाएगा। तो जिसको भगवान ने जो योग्यता और जो गुण दिए हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। किसी की नकल मत करो किसी के अनुसार मत चलो क्योंकि हर इंसान के अपने अपने संस्कार होते हैं और उन संस्कारों के अनुसार उसको चलना चाहिए।
A person who maintains a life in this manner and always engages in worship of Krishna with full attention is intelligent. जो अपने जीवन को इस प्रकार व्यतीत करता है और भगवान की उपासना करता है पूरे ध्यान से, वही बुद्धिमान, यानी बुद्धिमान ही भगवान की उपासना करते हैं। और रामचरित मानस लाइन आती है, परम चतुर ही मेरी भक्ति करेंगे। और यहाँ तक कहती चतुर में शिरोमणि है जो मेरा भजन करते हैं। तब सोचो, मानस भी यही बात कहती है, परिव्रत भी यही बात करता है, जो हरि भजन करते हैं वही बुद्धिमान है, वही श्रेष्ठ है, चतुर में शिरोमणि है। तो सब क्रियाओं का फल अंत में भगवान का भजन ही होता है। तो कहते हैं वो बुद्धिमान है, पायस एंड अ प्योर डिवोटी, यानी वो पुण्यशाली और शुद्ध भक्त है। रिलीजन विदाउट द वर्शिप ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज सिंपली चीटिंग, धर्म बगैर प्रभु की उपासना के केवल धोखे, क्योंकि वो आपको संसार से नहीं निकालेगा, आपके अंदर अहंकार पैदा करेगा, प्रशंसा और प्रतिष्ठा की लालसा करेगा और मान सम्मान की, और आपका पतन करा के लेगा। और हमारा उद्देश्य स्वर्ग प्राप्त करना नहीं, क्योंकि स्वर्ग पुण्य खत्म, फिर नीचे आ जाओगे, हमें तो अविनाशी पद चाहिए जहां से जाने के बाद लौट के आना नहीं पड़ता। फॉर वन हु फॉलोज रिलीजियस प्रिंसिपल बट डज नॉट वर्शिप कृष्णा हिज ह्यूमन फॉर्म अलाइव बिकम्स रुइंड। तो कहते हैं जो धर्म को पालन करता है, यानी अपनी जो कर्तव्य है उसको पूरी करता है, लेकिन भगवान की उपासना नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। जीवन उसी का सार्थक है जो भजन करते, बगैर भजन के जो मर्जी कर्म करो सब बंधन कारक है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं कर्तापन के मैं कर रहा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सारी बातें मैं को लेके होती है। लेकिन जब भक्त बनता है तो ये मानता है कि जो हो रहा है मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है, मेरे प्रभु भक्त बना रहे हैं, मेरी बात को कौन सुनता है। लेकिन प्रभु किसी मनुष्य को मजबूर करके हालात ऐसे बना देते हैं कि उसे भजन करना ही पड़ता है। और मैंने एक दफा बोल दिया, उससे बात मानी, क्यों मानी, क्योंकि उस वक्त वो लाचार था, मजबूर था, उसको कोई विकल्प नहीं था, उसने करना शुरू किया। अगर वो मजबूरी नहीं होती वो कभी आता भी नहीं कथा पे। अगर देखा जाए तो मेरे को सामने रखकर यश दिया, बाकी तो प्रभु, नहीं तो उसको लेके आए, प्रभु ने वो हालात प्रतिकूल खड़े किए जिससे वो लाचार होकर मेरा भजन करे, सब प्रभु ही तो करे हैं अगर देखा जाए तो। अच्छा, आप किसी को बोले भजन बढ़ाओ, वो भजन बढ़ाता भी नहीं है, वो पढ़ाने को तैयार भी नहीं है, तो फिर क्या करोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने अपना कर्तव्य किया, भगवान ने अगर कृपा करनी है तो उसको फिर ऐसी भयानक प्रतिकूल स्थिति ला देंगे, उसका अपना भजन बढ़ जाएगा, अपना बढ़ जाएगा, खुद कहेगा कि मुझे भजन बढ़ाओ, उसको फिर शांति मिले। यानी वास्तव में भगवान ही भजन करा रहे हैं और भगवान ही जीव को निकाल रहे हैं, जीव को केवल यश दे रहे हैं कि जो उनके सेवा करता नाम से उसको यश देता, तो सामने हो जा, तेरे को यश देता हूँ। लेकिन जीव को समझना चाहिए सब प्रभु का किया कराया, उसका अपना कुछ नहीं है, वो कोई चीज में उसको श्रेय नहीं लेना चाहिए, ले नहीं सकता। हाँ, धन्यवाद किसी ने दिया तो धन्यवाद स्वीकार करो, लेकिन वो धन्यवाद प्रभु का अर्पण करो, प्रभु तो ही तो करा रहे, तू क्या मुझे यश दे रहा है, यश तो तेरा है वास्तव में, मेरा थोड़ी है। वेदर वन इज अ ग्रस्त अ ब्रह्मचारी अ वानप्रस्थ और अ सन्यासी, चाहे आप ग्रस्त हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, इफ ही डिवाइड और डिवोशन टू श्री कृष्णा इज अनफिट टू टॉक विद डे एंड नाइट, अगर वो कृष्ण की भक्ति नहीं करता है वो मनुष्य बात करने योग्य नहीं है, चाहे दिन में चाहे रात में। जो कृष्ण भक्ति से विमुख है वो बात करने लायक नहीं। सुंदरकांड में लाइन आती ना कि जिसके मुख में राम नाम नहीं वह मनुष्य देखने लायक नहीं है। कहते स्त्री कितने भी सुंदर हो, उसके स्त्री पे के शरीर पर कितना भी श्रृंगार हो, लेकिन अगर वस्त्र नहीं है तो देखता नहीं। उसी प्रकार जिसके मुख पे राम नाम नहीं वह मनुष्य देखने लायक नहीं है, यानी मनुष्य जो देखने लायक है वो प्रभु की कृपा नाम के कारण देखने लायक होता है।
तो जीव ने राम नाम के वस्त्र और प्रेम के आभूषण पहने, राम नाम का वस्त्र और प्रेम के आभूषण। आभूषण तो आ जाएंगे बाद में, पहले वस्त्र तो पहनो राम नाम के, आभूषण तो प्रेम धीरे धीरे आ जाएगा, आभूषण आप उसका आभूषण आपने आ जाएंगे, लेकिन वस्त्र नहीं पहनोगे तो किसका किस काम का। तो ये भी कहते वो मनुष्य वार्तालाप करने लायक नहीं है, कौन, जिसके अंदर भक्ति नहीं, कृष्ण की भक्ति नहीं। द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ वन रिलेशनशिप विद द लॉर्ड एंड टेकिंग शेल्टर ऑफ प्रॉपर एनोसिएशन, यानी हमें ज्ञान प्राप्त हो चुकी हमारा प्रभु से संबंध क्या है और वास्तव में सही त्याग किसे कहते हैं, वैराग्य की परिभाषा क्या है, तो किसे कहते हैं। Everyone must take shelter of proper renunciation and engage in the worship of Krishna. हर इंसान को सही बात तरीके से त्याग करना चाहिए, कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि जब कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा तभी तो संसार की आसक्ति घटेगी। यदि अगर आपके संसार की आसक्ति नहीं घट रही है, भोग की वृत्ति बढ़ रही है, या इसका मतलब कि आपके भजन में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रही है, या तो आप प्राप्त कर नहीं रहो, या आपका उद्देश्य कुछ और है, आपका उद्देश्य भगवान को प्राप्त है, तो क्यों आपकी आसक्ति संसार से कम नहीं हो रही। कितने साल है हरि नाम लिख के, आप कितने साल है, थोड़ी भी कमी 5-10 पैसे फर्क नहीं पड़ा, मतलब आपके अंदर कपट है, आप स्वार्थ से आ रहे हो, स्वार्थ पूर्ति होने के बाद फिर विश्व में पढ़ो, आप भगवान को प्राप्त करने आए नहीं थे। जीव आया था अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी समस्या का समाधान के लिए, वो प्रभु को प्राप्त करने आया नहीं था, और इसलिए तो उसने आना छोड़ दिया, और जब उसका भयानक जूते पड़ते फिर वो आना शुरू करता है। यानी वो आता है मतलब से अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, स्वार्थ पूर्ति वो चले जाता है, यानी भगवान से प्रेम करता नहीं है, दिखता शायद नाम जी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा, क्योंकि उसका उद्देश्य भगवान से को प्राप्त करना ही नहीं है, भगवान से प्रेम करना ही नहीं है, उसका उद्देश्य संसार को भोगना है। तो ऐसे मनुष्य किसी काम के नहीं है। और अक्सर लोग इसी टाइप के होते हैं, मतलब से आना भगवान से प्रेम को, ये तो भगवान की जबरदस्त कृपा है, वो साधु संग देते हैं, गुरु दिला देते हैं, कथा दे देते हैं, और आपको बार बार के निकालते हैं, यानी ये सब मिल गया तो समझो प्रभु ने आपका उद्धार करने का सोच लिया है। इससे जब थोड़ा भी माला कम होती है या कथा कम होती है तो उथल पुथल जीवन में आ जाती है, बहुत ज़्यादा क्यों आती है, भगवान नहीं चाहते आप संसार में फंसो, आप निकलना नहीं चाहते, वो तुम्हें निकालना चाहते हैं, और उन्होंने गांठ पानी में निकालना है, वो आपको निकाल के ही रहेंगे, मार मार के निकालेंगे, मजबूर कर देंगे आपको कथा में आने के लिए, मजबूर कर देंगे हरिनाम जपने के लिए, अपने भजन को बढ़ाने के लिए, और वो निकाल के ही रहेंगे आपको। और हम सब की स्थिति वही है अगर देखा जाए तो। कहते हैं आफ्टर केयरफुली अंडरस्टैंडिंग ही रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड, तो उसको पहले आपका संबंध समझना चाहिए, मेरा भगवान के प्रति संबंध क्या है। तो जब गुरु हमें कंठी पिनाते हैं तो भगवान की शरण में लेके जाते हैं और कहते हैं कि हमारा नाम दे दास या दासी देते हैं, यानी हमारा अभी तो भगवान से संबंध दास या दासी का हुआ। और दास की परिभाषा क्या है, बगैर मूल्य के तनख्वाह के नौकरी करना और अपने स्वामी को प्रसन्न करना। हमने ये भाषा समझी नहीं है, हम कहते हैं गर्व हम दास है, लेकिन मैंने तेरी माला की, इसके बदले मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो दास कहाँ हो। तो अगर दास हो तो आपके अंदर दैन्यता होनी चाहिए, और आपके अंदर अगर दैन्यता नहीं है तो भी आप दास नहीं है, क्योंकि दैन्यता क्यों नहीं आपके अंदर आई है। जो दास होता है अपने को तुच्छ मानता है, मेरा कुछ है ही नहीं, जब अपने कुछ है ही नहीं तब तुच्छ मानता है तो उसके अंदर दैन्यता आएगी आएगी, फिर अहंकार कैसे आ रहा है। जिसके अंदर अहंकार है समझो उसे अभी दास का या दासी का समझ ही नहीं आया कि दास या दासी किसे कहते हैं, तभी उसके अंदर अहंकार है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, स्वार्थ है, लड़ाई करता है, क्रोध करता है, बुरे तरीके से बर्ताव करता है, यही तो लक्षण होते हैं स्वार्थी और अहंकारी मनुष्य के, क्या होते हैं।
दिखा रहे मैं मालक कर रहा हूं, लेकिन जो अपराध हो रहे हैं अहंकार को लेके और स्वार्थ को लेके, तो उसकी माला निष्फल हो रही है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य भक्त के प्रति बुरा करता है वो भगवान की क्रोध अग्नि से जल जाता है, इससे माला फलीभूत नहीं हो रही, इसका यही कारण है। नहीं तो माला को फलीभूत होना चाहिए, अब तो प्रेम उत्पन्न वैराग्य होना चाहिए था। अब अपराध करते जा रहे हो, एक किसी को आपने तुच्छ मान लिया, अकड़ के रह रहे हो, गुस्से में रह रहे हो, निंदा कर रहे हो, उसका परिणाम क्या हो रहा है? आपका भजन ही खराब हो रहा है, किसी का फर्क पड़ रहा है। आप हरिनाम करने के बावजूद अगर ये सारी क्रिया करनी है तो जीव अपना पतन का कारण खुद है। फिर गुरु ने नहीं कहा था कि किसी के दोष दर्शन करो, गुरु ने ये तो नहीं कहा था कि किसी की निंदा करो, तो क्यों किया आपने सब? गुरु ने किया था माला करो, तुमने माला क्यों नहीं की ईमानदारी से? अगर करते तो कोई समस्या नहीं आती थी, तो हमने नहीं की, इसी कारण से तो समस्या आ रही है, इसी कारण तुम्हें समस्या आ रही है। अगर तुम करते तो समस्या आती नहीं थी। पॉइंट वन, रिलेशनशिप, वो पहले तो संबंध गुरु हमारा स्थापित करते हैं दास या दासी बनाते, उसके बाद भजन करते 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 जैसे प्रेम गाढ़ा होना शुरू होता है आपके जीवन का, प्रेम बढ़ता और गाढ़ा होता जाता है, तब भगवान में एक अपनापन आता है। वो अपनापन क्या होता है? उस अपनेपन में हम भगवान को या अपना प्रियतम मानते हैं, या पति मानते हैं, या सखा मानते हैं, या कुछ ना कुछ इस प्रकार मानना शुरू करते हैं और वो भाव से सेवा करते हैं। फिलहाल हम दास भाव से चल रहे हैं, वो जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा तब भाव में परिवर्तन स्वतः आएगा, अपनापन भगवान में बढ़ता जाएगा, ये मेरे अपने हैं। फिर ये ज्ञान खत्म हो जाएगा कि भगवान है, वो मेरे अपने प्रीतम है, उसके साथ मैंने ऐसा व्यवहार करना है, या सखा जो भी हो, कुछ ना कुछ भाव आपके बनेंगे, क्योंकि हर एक के अंदर बीज अलग अलग होते हैं, सबका संबंध भगवान से अलग अलग होता है। हम ये नहीं बोल उसका ये भाव तो मेरा भी वही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। कोई बालक रूप के प्रति आकर्षित होगा, कोई ग्वाले के रूप में आकर्षित है, कोई युगल सरकार राधा कृष्ण के रूप में होगा, कोई राधा जी के संग वाला होगा, कोई कृष्ण के पक्ष वाला होगा, कोई राम जी के पक्ष वाला होगा, कोई नरसिंह जी वाला होगा, कोई विष्णु के पक्ष वाला होगा, तो सबके भाव और सबके रस अलग है। हाँ, गौड़ीय संप्रदाय पे आने के बाद तो ये महाप्रभु की कृपा होती है कि जीव जो है ब्रज भाव में ही होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी ब्रज भाव में हो, क्योंकि मुरारी गुप्त तो अयोध्या के भाव में थे, राम जी के भाव में थे, और हमारे सनातन गोस्वामी के छोटे अनूप थे वो भी दूसरे भाव में थे, कुछ भक्त वहाँ पे नरसिंह भाव के भी थे, कुछ कोरमा के भाव के भी थे, कुछ भक्त होते प्रभु के। आप चैतन्य महाप्रभु की लीला पढ़ो, हमने आपको दिखाई देगा। जनरल बात होती है कि वो ब्रज के भाव में थे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सब उसी में गए। महामंत्र सभी करते हैं, लेकिन सबके बीच अलग अलग है, सबके भाव अलग अलग है, उसके अनुसार उनका प्रेम संबंध स्थापित होगा। कोई भी अवतार की पूजा करो, सारे अवतार प्रसन्न हो जाते हैं, तो केशव नहीं नरसिंह रूप केशव नहीं यही विश्व रूप केशव नहीं कालकी रूप केशव नहीं राम रूप केशव नहीं सारे अवतार दिए। जयदेव गोस्वामी का दशावतार स्तोत्र पढ़ते ना हम लोग, उसमें ही तो लिखा है। तो एक अवतार की पूजा में सारे अवतारों की पूजा हो जाती है, ऐसा नहीं कि इस अवतार की मैं तो उस अवतार में करूं तो कम होएगा, ऐसी बात नहीं होती है। रस में थोड़ा भेद हो सकता है, बाकी तो सब चीज पूरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मुक्त हो जाता है, सब कुछ होता है, निर्धाम निजी सेवा मिलती है, बाकी रस की बात अलग अलग होती है। तो हर बंदा ब्रज भाव, कोई द्वारका के भाव वाला, कोई मथुरा के भाव वाला का, क्योंकि द्वारकाधीश के रूप में प्रभु द्वारका में नित्य लीला करे, मथुरानाथ के भाव में जो मथुरा में नित्य लीला करे, और भजेंद्र नंदन के रूप में वो ब्रज में लीला करे, तो तीनों नित्य लीला चल रही है, और सभी लोग ब्रज के प्रति कोई मथुरा के प्रति भी आकर्षित, मथुरा नाथ के प्रति आकर्षित होंगे, कोई द्वारकाधीश के प्रति होंगे, तो सबके भाव अलग अलग है। आप ये नहीं बोल सकते कि यही भाव तुझे स्वीकार करना, नहीं, हरिनाम करते जाओ, हरिनाम प्रकाशित करेगा आपका भाव, आपका संबंध क्या है। फिलहाल आप अपने को दास मानते हुए, तुच्छ मानते हुए सेवा करते जाइए। रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड इज एस्टैब्लिश्ड,
जब हमारा संबंध भगवान के साथ स्थापित हो जाता है, वन फील द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड शेल्टर, तब मनुष्य को लगता है कि मुझे कोई रक्षा करने वाला और आश्रय देने वाला मिले, मेरी कोई रक्षा करे और आश्रय मुझे कोई दे, उसे महसूस होता है। एंड वन फील द प्योर सपोर्ट ऑफ शेल्टर, ए लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड इज अवेकेंड, जब उसे लगता है कि मुझे शुद्ध सहारे की जरूरत है, आश्रय की जरूरत है, तब उसका प्रभु के प्रति प्रेम जागृत होता है, क्योंकि प्रभु के अलावा कोई भी हमें आश्रय नहीं दे सकता, कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। बोलने की बातें होती है कि मैं हूँ तेरे लिए, अगर मैं समझो एक कोने बम्बई की हो और आप बम्बई से 2 घंटे दूरी पे हो, आपको मुझे 10 मिनट के बाद आवश्यकता है, मुझे पौने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो धोखा ही तो हुआ। अगर आप प्रभु के आश्रित रहोगे तो प्रभु कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे, या स्वयं उस रूप में उपस्थित होंगे, या उस वक्त मुझे उस बंदे के पास रखेंगे जिसको मेरी आवश्यकता है, यानी प्रभु व्यवस्था प्रापक कर देते हैं अगर आप उनके आश्रित हैं तो। इसलिए प्रभु के अलावा जीव को किसी का आश्रय नहीं लेना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं। अगर कोई को सेवा करता है, वो प्रभु की कृपा है, प्रेरणा चली तो वो कर पा रहा है, नहीं तो उसके मन में भाव क्यों है आपकी सेवा करने के, तो ये भूल जाओ, ये सोचना नहीं चाहिए कि वो कर रहा है। ठीक है, व्यवहार में हमें धन्यवाद जरूर देना है, लेकिन मूल में हमेशा याद रखना प्रभु की प्रेरणा चल रही है तब सहायता होती, नहीं तो जो हम जिसे अपना मानते हैं वो भी धोखा दे सकते हैं, वो भी भले हम तेरी सहायता नहीं करेंगे। अगर प्रभु की प्रेरणा नहीं होगी, प्रभु चाहेंगे आपकी सेवा ना हो, तो वो आपके मन को परिवर्तित कर देंगे और आप सेवा नहीं कर सकोगे। और अगर उनको आपकी सहायता करनी है, किसी का भी हृदय परिवर्तित करके उससे वो सेवा करवा सकते हैं। इसलिए जीव को प्रभु पर निर्भर होना चाहिए, ना कि किसी मनुष्य पे या जीव पे, या ये सोच के चलना चाहिए मैं उसका संबंध था तो मेरा क्या होएगा, कुछ नहीं, सब प्रभु ने देना है। प्रभु पर निर्भर हो, ये प्रभु के आश्रित रहिए, ये सोचो ही मत कि क्या होएगा मेरा। अगर नहीं भरोसा है तो जाओ संसार में रहो, नौकरी करो, व्यापार करो, संबंध करो, जो करना करो, भरोसा नहीं है तो। और जब धोखा खाओगे तब प्रभु की जाने का कल आएगी आपको, क्योंकि क्या जीव धोखा तो खा ही रहा है लेकिन फिर भी अकल नहीं आ रही है, इस बात को अनुभव नहीं करा, नहीं जी वो तो अच्छा है, वो तो मेरा अपना है। भगवान कहते हैं मेरे अलावा कोई तेरा अपना नहीं है, ये बात दिमाग में घुसा ले। मेरे अलावा जैसे तू किसी को तो अपना मान रहा है तो धोखा ही खाएगा और धोखा ही मिलता है उसको, कब जब उसको आवश्यकता आती है उस वक्त उसी समय उसको धोखा मिलेगा। शुरू में तो ये सब दिखाएंगे हम तो है ना तेरे साथ, हम तो है ना तेरे साथ, लेकिन वो धोखा ही खा कर ला सकते। ये प्रभु की व्यवस्था ऐसी होती है, तो मेरे पर निर्भर हो, मेरा आश्रय ले। भगवत गीता में तो भगवान ने कहा मेरे मन लगाओ, मेरा भजन करो, मेरी स्तुति करो, तो क्या क्या समस्या, क्या मुझे प्रणाम करो, क्या हमें चाची नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है जब वो उसे सहारे की जरूरत होती है, भगवान का आश्रय लेता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है कि यही मेरे शुभ चिंतक है, वास्तव में ईश्वर ही हमारे शुभ चिंतक है और हमारा कोई दूसरा शुभ चिंतक नहीं ईश्वर के अलावा। फॉर अ पर्सन हु वर्शिप कृष्ण विद प्योर लव, जो मनुष्य कृष्ण की उपासना करता है शुद्ध भाव से, प्रेम से, कृष्ण बिकम हिज पर्सनल असेट, कृष्ण उसकी निजी संपत्ति बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु प्रेम के वशीभूत हैं। जैसे संसार में कोई भी चीज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है, प्रभु को खरीदने के लिए प्रेम धन की आवश्यकता है। जिसके पास प्रेम धन है प्रभु उसके निजी अपने हो जाते हैं, उस पर अपनापन होता है, अधिकार होता है, फिर वो प्रभु को डांट भी सकता है और प्रभु उसकी बात मानेंगे, लेकिन बिना प्रेम के कुछ नहीं होने वाला, ना भोग लगेगा, ना प्रभु आपसे सेवा लेंगे, ना कुछ होएगा। इसके भजन करिए, प्रभु से अपनापन जागृत कराइए। जैसे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, 4 गुणी हैं और उसमें एक है तो थोड़ा कम समझदार है, तो 3 तो अपने काम में पिता का 4 पर समान प्रेम है,
तो एक को दुकान दी होती है, दुकान चलाने में कुशल है कि पिता की सेवा खूब करता है। जब अंतिम समय आता है तब पिता क्या उस मैनेजर को देता है, दुकान की तूने सारी जिंदगी मुझे खिलाया, तो दुकान का मालिक को नहीं अपने पुत्र को देता है। क्यों? पुत्र से मेरा अपनापन है, बस वही है। कुशलता योग्यता नहीं देखी जाती, अपनापन और प्रेम देखा जाता है। भगवान से जितना अपनापन होएगा, प्रेम होएगा, उतनी कृपा मिलेगी। कितनी चतुराई है, कितनी योग्यता है, कुछ काम नहीं आती संसार भगवान के लिए, के सामने कुछ काम नहीं आती। उधर एक ही वस्तु काम आती, अपनापन और प्रेम और कुछ नहीं। आर लिविंग एंटायरली डिवाइड और लव और गॉड इज जस्ट अ मोल्डेड डॉग। कहते हैं जो जीव जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है वो एक कुत्ता ही है, पशु की तरह है। खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना स्वार पूर्ति, शरीर की स्वार पूर्ति में लगे रहना, मनुष्य और पशु पक्षी कीड़े तो वही तो करें। हमारे में हम मनुष्य तभी होते हैं जब हम हरि नाम करते हैं, हरि भजन करते हैं, नहीं तो हमें और पशु में कोई अंतर नहीं। वो चार पैर वाले पशु है, हम दो पैर वाले पशु हैं, कीड़े मकड़ों को छह पैर वाले, कोई दस पैर वाले होते हैं, बस हम उन्हीं की तरह ही हैं। अगर देखा जाए तो वन हु पोजेसेस डिवोशन टू कृष्ण इज अ वैष्णव। जो कृष्ण के प्रति भक्ति रखता है वही वास्तव में वैष्णव है। एंड वन हु रिनाउंसेस हिज हाउस एंड हिज हाउस होल्ड एंड बेग्स आर्म फ्रॉम अदर्स बट डज नॉट वर्शिप द लॉर्ड शुड नेवर बी काउंटेड एज अ वैष्णव। दिस जो गृह त्यागी है और घर को छोड़ दिया है और भिक्षा मांगता है लेकिन कृष्ण भजन नहीं करता, वो वैष्णव नहीं है। वैष्णव की पहचान कृष्ण भजन है, ना कि भिक्षा मांगना और ना कि गृह त्याग करना या कुछ अगर वस्त्र बदलना। कृष्ण भक्ति प्रेम लक्षण है कि वह भगवान का भक्त है, नहीं तो वह भक्ति नहीं। अगर उसके अंदर गुण नहीं है तो वैष्णव डनर ऑनर द रेमन ऑफ फूड अनदर आइटम ऑफर टू द डेमिगॉड्स। जो देवता को अर्पण किया जाता है भोग, वैष्णव उसको ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि देवता को जो लोग अर्पण करते हैं वो अपनी कामनाएं उनके अंदर छुपी होती है। क्योंकि देवता के लोग उपासना क्यों करते हैं? अपनी कामना की पूर्ति के लिए तो करते हैं। अगर शुद्ध भक्ति करें तो हरि की करते रहे, राम की कृष्ण की करते रहे, उनके तो करते नहीं है देवताओं की, क्योंकि उनके अंदर संसारिक मनोकामना होती है। तो उनका जो देवता का जो जूठन खाता है तो आपके अंदर संसारिक कामना उत्पन्न हो जाती है। इसे वैष्णव उसका त्याग करते खाते नहीं है। लेकिन गौ को खिला दो या किसी को खिला दो, वो बात अलग है, किसी दूसरे इंसान को खिला दो, लेकिन वैष्णव को कि आपके अंदर संसारिक कामना उत्पन्न होगी तो हाँ। भगवान को कृष्ण को अर्पण किया है, भोग लगाया, उसके बाद देवताओं को खिलाया है और फिर खाते, वो कोई दोष नहीं, क्योंकि मूल में तो कृष्ण को भोग लगा हुआ है, राम जी को भोग लग चुका है, फिर कोई दोष नहीं होता। लेकिन केवल देवताओं को लगाओ और हरि को ना लगाओ, हरि को भी देवता का भोग नहीं लगाया जाता। हरि का भोग देवता खाते हैं, देवता का वो हरि नहीं खा सकता, ये अपराध हो जाता है। ही शुड ऑल्सो नॉट एक्सेप्ट एनी इन्विटेशन टू एनी पॉम्पस रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस। उसको वो निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए जहाँ पे कर्म कांड होता है, ये हवन हो रही है, यज्ञ हो रहा है, ये हो रहा है, वो देवता की उपासना, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे हरि भक्ति होती है वहाँ पे जाना है, जहाँ पे हरि भक्ति नहीं वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर चले गए तो प्रणाम करके आ जाओ, आदर दे के आ जाओ, बस ज़्यादा गुस्से की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे मन खराब होना शुरू होता है। क्योंकि लोग बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, प्रलोभन आते हैं, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये सुख मिलेगा, वो मिलेगा। देखो सुख और दुख ये मन की स्थिति है। पहली बात तो ये है, मेरा मन अगर संसार में आ सकता है और मैं चाहता हूँ मेरे अनुसार चले या मन अनुसार क्रिया करे, नहीं करते तो मैं दुखी होता हूँ। मन कृष्ण में लगा होता तो फिर काहे का दुख होता, मुझे बताओ। दुख, मैं बहुत दुखी हूँ, इसका मतलब यही है कि तुमने अपने आप को सुधारना, तुमने अपने मन को कृष्ण में लगाना है, ना कि संसार में। जिसका जितना संसार में आ सकता है, जितना मन अधिक संसार में, उतना अधिक दुखी रहता है।
मेरा बोलता मेरे कर्म बुरे हैं। अरे तुम अपने पाप को बदलो, कृष्ण से प्रेम करो, आसक्ति कृष्ण रहो, क्यों संसार से लगा लो, तो तभी तो दुख आ रहा है। कोई आपके अनुसार नहीं चल रहा, नहीं कर रहा है, और क्रोध का कारण के मैं संसारी काम है, मेरे को ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये करना वो करना वैसा नहीं होता, तो आप कुछ चिड़चिड़ापन होता, क्रोधित हो जाते हो। तो किसने कहा था कि संसारी कामनाएं बढ़ाने के लिए रखने के लिए भगवत कामना रखते तो क्या संसारी कामनाएं रह सकती हैं? भगवत कामना बढ़ेगी उतनी संसारी कामनाएं कम होंगी, उतना चिड़चिड़ापन और क्रोध भी शांत होगा। ये बड़ा क्रोधी है, बहुत गुस्से वाला है, चिड़चिड़ापन बहुत है, तो उसका का इसका मतलब यह है वो बहुत अधिक काम इंसान है, उसके अंदर संसारी कामनाएं अपार भरी हुई है और इच्छा पूरी हो नहीं, कामनाएं पूर्ति, इससे उसको बार बार क्रोध आ रहा है। तो उसमें क्यों कोई क्या करे, नहीं इसको कुछ मंत्र करो, क्या मंत्र करो, वो कथा सुने, जाप करेगा, भगवत कामना बढ़ेगी, संसारी कामना घटेंगी, वो अपने शांत हो जाएगा। लोग ये चीज करना चाहते हैं और पंडित को बोलते हैं पूजा करो, वो बेवकूफ बना रहे, वो पूजा करे, जब ये आपके हृदय ही बिगड़ा हुआ है, मन बिगड़ तो पंडित उस पर क्या कर सकता है? तुम अपने मन को क्यों नहीं सुधारते हो? तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो, तुम आसक्ति भगवान में करो तो दुख नहीं लगेगा या भव कम हो जाएगा, भगवत कामना बढ़ाओ तो संसारी कामना घट जाएंगे, क्रोध भी कम हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो तुम करने होते, तुम्हारी मन की अपनी समस्या है, तुम दूसरों को आरोपित क्यों कर रहे हो? तुम अपने आप, हम यहाँ पे अपने आप को बदलने आए, दूसरे को नहीं। हम अपने जीवन के दोष देखने हैं, दूसरों के दोष देखने नहीं। दूसरे में क्या गुण दोष है, हमें कोई अधिकार नहीं किसी के बारे में जज करने का। तुम अपने जीवन के दोष को देखो, अपने कमियों को देखो, उसको सुधारो और अपने जीवन को सार्थक करिए। कमियां तो सब में अंदर है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है, और जब तक वो सुशुद्ध अवस्था में नहीं आ जाएगा, यानी भगवान की प्राप्ति तो परफेक्शन नहीं आएगी, तब तक कमी रहेंगे रहेंगे उसके अंदर। आप क्या कमियां देखने आए हो, भगवान का भजन करने कथा सुने आए हो? क्योंकि हमारे में कमियां हो सकती है, लेकिन मैं परफेक्ट चीज बोल रहा हूं, क्योंकि परफेक्ट लोगों का लिखा हुआ जगदंड पंडित महाप्रभु के पार्षद है, उनका लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ो, वो परफेक्ट है, परफेक्ट लोगों की चीज पढ़ो, इससे मैं परफेक्ट हूं। और जितनी परफेक्ट चीज पढ़ोगे उतनी परफेक्शन आपके जीवन में आएगी, और जो सुनेगा उसके जीवन में परफेक्शन आएगी। ईश्वर ऑल्सो नॉट एक्सेप्ट एनी इन्विटेशन टू एनी पॉपुलर रिचुअल परफॉर्मेंस, यानी उसको उन जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे कर्म कांड वगैरह होता है, बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे हरि कथा होती है, हरि कीर्तन होता है, उधर ही जाना चाहिए, बाकी जाने की जरूरत नहीं है। अगर जाना भी पड़े कोई का विशेष कारण, जाओ प्रणाम करके आ जाओ, उधर रुकने की जरूरत नहीं है। द बिहेवियर ऑफ अ हाउस होल्डर एंड अ रेनोसेंट, ये ग्रस्त का और त्यागी का व्यवहार कैसा होना चाहिए? देयर इज अ डिफरेंट इन द कंसेप्ट ऑफ अ हाउस होल्डर वैष्णव एंड अ रेनोसेंट वैष्णव। एक त्यागी वैष्णव और ग्रस्ती वैष्णव में बहुत अंतर होता है। बोथ ऑफ देम आर एलिजिबल फॉर डिवोशन सर्विस, दोनों ही भक्ति के अधिकारी हैं। इवन दो देयर बिहेवियर इज डिफरेंट, हालांकि दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर है, लेकिन दोनों ही भक्ति के अधिकारी हैं और दोनों ही प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है, भक्ति में किसी चीज का त्याग नहीं है, हर चीज को प्रभु से जोड़ना है। ज्ञान मार्ग में क्या होता है, ये मत करो, वो मत करो, उसका त्याग, उसका त्याग, उसका त्याग करो। भक्ति में कहता हर चीज प्रभु से जोड़ते हैं, कोई चीज त्यागते नहीं है। जैसे माइक है, इसके द्वारा मैं संसार की गाने भी गा सकता हूँ, भारी कथा भी कर सकता हूँ। गाड़ी है, गाड़ी से मैं क्लब भी जा सकता हूँ, गाड़ी से मैं कथा सत्संग में भी जा सकता हूँ दूर। घर मिला, घर पे मैं पिकनिक बाकी सब भोग वृत्ति भी रख सकता हूँ, और घर के अंदर मैं हरी कथा भी कर सकता हूँ। तो वस्तु अपने में अच्छी बुरी नहीं होती, उसका सदउपयोग और दुरुपयोग उसको अच्छा बुरा बनाता है। हर चीज़ पैसा ना अच्छा ना बुरा है, सदुपयोग करोगे तो पैसा बहुत बढ़िया चीज़ है, दुरुपयोग करोगे तो पैसा खराब है। छुरी ना अच्छी ना बुरी, सब्जी काटोगे ऑपरेशन करोगे तो बहुत अच्छी है, और उसको जेब काटोगे या खून करोगे तो बुरी है।
तो वस्तु में ना अच्छी होती है ना बुरी होती, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग उसका अच्छा बुरा बनाता है। भक्ति मार्ग की विशेषता यह है, हर चीज हम प्रभु की सेवा में जोड़ते हैं, किसी चीज को त्यागते नहीं, कोई चीज निंदनीय नहीं है अगर वो प्रभु की सेवा में यूज हो जाए तो। और दूसरी चीज, त्याग जीव कर भी कह सकता है, यानी अगर ये माने सब कुछ प्रभु का है, प्रभु की वस्तु में प्रभु को अर्पण कराऊं, तो मैंने क्या त्याग क्या किया, क्योंकि जल मेरा बनाया हुआ नहीं है, फल मेरे बनाए हुए नहीं है, सब्जियां मेरी बनाई हुई नहीं है, बीज तो भगवान ने उत्पन्न किए हैं, उनकी व्यवस्था उन्हीं की, जो हम पैसे देते हैं वो घर में लाने के पैसे देते हैं, पाइप के पैसे घर में लाने के, बाकी जल तो फ्री में है, हवा फ्री में है। तो हम प्रभु की वस्तु अगर प्रभु को अर्पण करें तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमने क्या त्याग किया, तुम किस बात का मांग कर तुमने त्याग किया, ये क्या तुम्हारा था ही क्या जो तुम त्याग कर सकते हो, तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो तुम क्या त्यागोगे। तो बोथ ऑफ देम, अच्छा, बोथ ऑफ देम नीड टू टेक शेल्टर और प्रॉपर एनाउंसिएशन, दोनों को उचित त्याग का आश्रय लेना चाहिए। बोथ आर इक्वली क्वालिफाइड टू अक्वायर स्पिरिचुअल नॉलेज, दोनों को में के अंदर योग्यता है उचित ज्ञान प्राप्त करने की, आध्यात्मिक ज्ञान उनको प्राप्त करना चाहिए, दोनों को अधिकारी है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का, एंड प्योर डिवोशन अशुद्ध भक्ति प्राप्त करने दोनों अधिकारी, दोनों ही अधिकारी हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जो भजन करते करते जिससे कर्म कटते जा रहे हैं, कर्म कटते जाएंगे तो उसकी आसक्ति भी खत्म हो जाएगी, जब आसक्ति खत्म होगी फिर उसका संबंध ही नहीं किसी से स्थापित होएगा, तो वो इंसान जल्दी निकल सकता है भगवान के भक्त के धाम में। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे कर्म ही हमारे बंधन के कारण होते हैं, जो हमारे पास जो दोस्त आते हैं, जो रिश्तेदार बन के आते हैं, सब कर्म अनुसार ही आते हैं, लेकिन अगर तीव्र भजन करोगे तो कर्म कटते जाएंगे, उन हमारा किसी से लेन देन नहीं रहेगा, वो अपने आप से दूर होते जाएंगे, और सब जब दूर हो जाएंगे तो फिर आप बहुत शीघ्र भगवान के को प्राप्त कर लोगे। ये उनके लिए आसान होता है जो त्यागी होते भगवान को प्राप्त करना, क्योंकि उनका भजन बहुत तीव्र होता है। और जो नहीं रह सकते, ठीक है संसार में रह के तीव्र भजन करें, लेकिन नॉर्मली लोग करते नहीं है तीव्र, घर में अनेकों विघ्न आते हैं, गृहस्थियों को भाई पहले तो विवाह के बाद उस घर को संभालो, उसके धन की आवश्यकता है, ये आवश्यकता है और भी बढ़ जाती है, फिर संतान को पढ़ाना, फिर संतान को बड़ा करना, उसके विवाह करना, देखभाल करना, यानी इंसान उलझता ही तो जाते कर्मों में, निकलता कितना मुश्किल है, साधन सीमित है, समस्या अधिक है, तो क्या करे। कहते अगर उसका भजन बहुत तीव्र होता, बहुत स्ट्रांग होता, तो ये कर्म कट गए होते, ना कोई रिश्तेदारी बनती, ना कोई दोस्ती बनती, वो अपने आप संसार से आसानी से निकल जाता। ये हम रिश्तेदारी दोस्ती जोड़ने बनाने नहीं आए हैं, हम अपनी रिश्तेदारी और दोस्ती भगवान से करने आए हैं, या उन संतों से जो भगवान के पास हमें ले जाए, हम संसार से दोस्ती रिश्तेदारी बनाने नहीं आए हैं। ये बात याद रखना, जो लोग कहते हैं रिश्तेदारी बढ़ाओ, दोस्ती बढ़ाओ संसार से, वो मूर्ख है, वो आपको संसार में ढकेल रहे हैं। जब तक रिश्तेदारी दोस्ती संसार से नहीं घटेगी, तब तक प्रभु से कैसे बढ़ेगी, या प्रभु से बढ़ेगी तो संसार में घटेगी। अगर हम बोलते हैं मेरे नए नए दोस्त बनते जा रहे, मेरी रिश्तेदारी बढ़ती, मेरे को लोग पसंद करने लगे, आ सकते, ये माया का बड़ा जबर अटैक हो रहा है, प्रलोभन आ रहा है तुम्हें विचलित करने के लिए, तुम्हें संसार में फंसाने के, निकलने नहीं दे रही है। लेकिन तीव्र भजन रखो, भजन नाम को खूब बढ़ाओ, अब माला बढ़ा लो, 80 माला करो, 90 माला करो, 100 माला करो, जितनी कर सकते हो 64 के ऊपर करिए, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट लिखा गया है, जो मनुष्य प्रतिदिन 64 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करता है, उस पर माया का जो ग्रिप है, प्रभाव ढीला पड़ना शुरू हो जाता है, उसकी आसक्ति संसार से कम होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे धीरे, एक दिन में धीरे 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 होनी शुरू होती है।
हमारे भक्ति चिदानंद ठाकुर कृपा जी यदि यहाँ तक कह दिया जो 64 माला नहीं करता वो तो पतित कहलाता है, यानी वो संसार से कैसे निकलेगा, उसकी आसक्ति खत्म होगी, उसकी संसारी काम में बढ़ जाएंगे, उल्टा वो उसी के पूर्ति के लिए उपासना करता रहेगा, तो मेरी प्राप्ति के लिए करेगा कहाँ। तो यानी अगर आपको 20-22 साल लगते हैं पढ़ाई करके ग्रेजुएशन होने को, तो आपने कैसे चुना कि एक दो दिन में आप भगवान को प्राप्त कर लोगे या आपकी भक्ति की उस चरम अवस्था में पहुंच जाओगे, उसमें भी आपको साधन करना पड़ेगा। 20-22 साल तो करिए, 64 माला करिए, फिर देखिए कितना आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है, तो आप साधु संग में रहिए, प्रेम उत्पन्न होएगा, नहीं तो हमारे अंदर कितने गलतियाँ कितने अपराध जागृत हो रहे कर रहे हैं हमें पता ही नहीं होता, अनजाने में हमसे क्या क्या गलतियाँ हो रही है, हम किसी को नीचा देख रहे हैं, किसी को क्रोध की दृष्टि से देख रहे हैं, कहीं आप अंदर सेवा का अभिमान हमारे अंदर कहीं भी उत्पन्न हो रहा है, मैं बहुत बड़ा सेवा हूँ, कभी ये भाव थे कि मैं तो उसे श्रेय भक्त हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा माला करता हूँ, माला ज़्यादा करते हो प्रेम प्राप्त करने के लिए करना है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब अधिक मात्रा में की जाती है वो आपको तन्मय करती है, मग्नता ले आती है उस चीज़ के अंदर, तो जब अधिक माला करोगे अधिक कथा सुनोगे एक न एक दिन तो उस प्रेम में डूबोगे, थोड़े भजन में नहीं डूबता, कोई भी चीज़ जब बार बार करते हो अधिक मात्रा में करते हो तो जीव उस पर तन्मय होता है, ही गेट्स अब्सॉर्ब, तन्मयता आती है उसके जीवन में, थोड़ी मात्रा में कभी भी अब्सॉर्प्शन नहीं आती, तन्मयता नहीं आती है, तो अधिक मात्रा में ग्रंथ को भी बार बार, एक ग्रंथ कोई भी ग्रंथ पकड़ लो, कोई भी एक लीला ले लो बार बार पढ़ो, ये नहीं कि पूरा ग्रंथ हमको पढ़ना ही है ऐसा कोई जरूरी नहीं, एक लीला जो आपको बहुत अधिक प्रिय है जो प्रेम उत्पन्न करती है और एक हरिनाम रात दिन करते जाइए वो आप भगवान को प्राप्त कर ही जाओगे, उसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। और ये मानो कि प्रभु करुणा निधान दीन दयालु भक्त वत्सल हैं, वो कृपा करेंगे ही करेंगे मेरे पे, वो मेरा क्यों त्याग करेंगे, क्योंकि वो करुणा निधान है, इसीलिए भक्तों ने अगर प्रभु की महिमा गाई है उन्होंने कहा है कि प्रभु करुणा निधान है, तो भक्त प्रभु अपने भक्तों की वाणी को झूठा नहीं पड़ने देंगे, प्रभु का अपनी करुणा दिखानी पड़ेगी, दया दिखानी पड़ेगी, वात्सल्यता दिखानी पड़ेगी, और आपको तारेंगे तारेंगे, लेकिन आपका भाव गलत है, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रभु तो बड़े कठिन है, बड़ा कठोर है, उनका प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, तो फिर वह प्रभु आपके दुर्लभ बन जाएंगे, क्योंकि आपके भाव गलत हैं, क्योंकि प्रभु जो है कल्प वृक्ष के समान है, कल्प वृक्ष वो पेड़ है जो मन चाहे वस्तु देता है, ज्ञानी क्या मानता है प्रभु सम है, तो प्रभु उसके सम न्यूट्रल बन जाते हैं, कर्मी क्या मानता है कर्म प्रधान जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भुगतेगा, प्रभु ने कहा बिल्कुल सिर्फ अपने कर्मों का भुगत मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, लेकिन भक्त प्रभु की शरण जाता है प्रभु का पक्ष लेता है, इसलिए प्रभु भक्त का पक्ष लेते हैं क्योंकि वह प्रभु की शरण गया है, ज्ञानी का नहीं लेते क्योंकि जो सब मानते उसके सब बन गए, जो कर्म प्रधान तो कर्म भोग भुगतेगा प्रभु क्यों हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन जो शरण जाएगा उसके कर्म प्रभु नष्ट करते हैं उसका पक्ष लेंगे, इसलिए सही भाव से हमको प्रभु को उपासना, और ये मानते हुए कि भक्तों ने जो प्रभु की महिमा गाई है उनको कहा कि दीन दयालु करुणा निदान कृपालु करुणामय, तो प्रभु हैं और मेरे पे जरूर करेंगे, विश्वास रखो तभी आपको कृपा की अनुभूति प्राप्ति होगी, सही कंसेप्शन होना चाहिए कि हमारा प्रभु के प्रति क्या भाव है, लोग कहते हैं कर तो हाँ करता तो दम तो पाप रह गए, नहीं क्या पता नष्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, तुम्हें विश्वास ही नहीं तो कैसे होगा। एक कथा आती है शिव और पार्वती विचरण कर रहे थे, जब विचरण कर रहे थे तो कुंभ का मेला चल रहा था हरिद्वार में, तो पार्वती ने प्रश्न कर दिया शंकर जी से, इतने लोग यहाँ पे कुंभ में स्नान कर रहे हैं गंगा जी में, लगता है कि गंगा जी का प्रभाव खत्म हो गया फिर भी उनके दुख खत्म नहीं हुए, तो शिव जी ने कहा किसी ने स्नान किया नहीं, पार्वती अब क्या झूठ बोल रहे हो, देखता नहीं कि अभी स्नान करे उनके कपड़े भी सूखे नहीं गीले कपड़े, अब कहते स्नान किया नहीं, कहते पार्वती चल इसका प्रश्न का जवाब मैं तेरे को देता हूँ, प्रभु एक घोड़े का रूप धारण करके नाले के पास बैठ गए, नाले में बैठ गए, और पार्वती एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बैठ गई, प्रभु ने कहा कि कह देना कि भाई
जिस मनुष्य ने कोई पाप नहीं है क्या वो मेरे पति का स्पर्श के नाले से निकाले, नहीं तो वो जल के भस्म हो जाएगा। लोग आते हैं कहते हैं पार्वती से पार दुखी होकर बैठी है एक सुंदर स्त्री के रूप में, तो बैठी है तो उसे कहते हैं कि भाई क्या बात है दुखी को, कहते मेरा पति जो है देखो नाले में गया, मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। हाँ मैं निकाल देता, लेकिन जिसका कोई पाप ना हो वही निकाल सकते हैं, तो वो जल के भस्म हो जाएगा। नहीं नहीं हम तो पापी हम कैसे हाथ लगाएंगे, लोगों ने ही भाव रखा तो पापी हम कैसे हाथ लगाएंगे, तो हाथ लगाने को डरे थे। सुबह से लेकर शाम हो गई किसी ने भी उसको नहीं निकाला, कई ने कहा अपने पति को छोड़ हमसे विवाह कर ले, उठ पटांग की बहुत से बातें कही, हर किस्म ने के लोग आए और हर किस्म के बातें की, कुछ दया दिखाई कि उन्हें सहायता करने की प्रयास किया, लेकिन भय के मारे नहीं कर सका कि भी मैं तो पापी हूँ, मैंने पाप किया तो मैं करूँगा तो मैं जल जाऊँगा। एक बंदा शाम के समय आया और उसने कहा कि माँ क्या बात है, कहते कि मैं ऐसे सी बात है, कहते मैं भी निकलता हूँ। भाई सच है जिसके पाप नष्ट हो गए वही कर सकता है, अगर पाप है तो तुम्हें बहुत तकलीफ आएगी। कहता मेरे तो पाप नष्ट हो कैसे, कहते माँ देखते मैं अभी गंगा स्नान करके आऊँ, गंगा स्नान करके बाहर निकला और चल के इतना मैंने कोई पाप ही नहीं किया तो मेरे तो पाप नष्ट हो गया, मैं निकालता हूँ। और उसने जब हाथ स्पर्श किया तो शिव पार्वती अपने स्वरूप पे आ गए। उन्होंने कहा पार्वती देख पूरे दिन में एक ही बंदे ने गंगा स्नान किया, एक ही बंदे को विश्वास था कि मेरे पाप नष्ट होंगे। स्नान सबने किया लेकिन विश्वास नहीं था, जिसका विश्वास था उसको कृपा मिल गई। हम भी नाम जपते लेकिन हमें नाम पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम कृपा से वंचित हो जाते हैं। ये कथा जो है केवल विश्वास उत्पन्न करने के लिए, प्रेम उत्पन्न करने के लिए, अगर प्रेम उत्पन्न हो गया, निष्ठा हो गई और हम ये मानते प्रभु करुणा निधान है, प्रभु मेरे पर कृपा करेंगे, तो डेफिनेटली इसी जन्म में आप निकल जाओगे, आपको दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पता नहीं निकलेंगे निकलेंगे, देना पड़ेगा दोबारा जन्म, नरकों में जाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली जाओगे क्योंकि तुमको हरिनाम पे विश्वास नहीं, प्रभु की करुणा पे विश्वास नहीं, दया पे विश्वास नहीं, तो तुम जाओगे जाओगे, तुम हरिनाम करो लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं, तुम्हें फलीभूत नहीं हो रहा। जब विश्वास होगा तो ही फलीभूत होगा। विश्वास कथा उत्पन्न कराती है, कथा साधु संघ में उत्पन्न होता है, तब जाके इंसान का भजन फलदायी होता है। समय आरिफ भैया मेरी बात, इसलिए विश्वास रखो कि प्रभु करेंगे, करुण निधान है, दीन दयालु है। अगर उनका हमें नहीं तारना होता तो ना हमें साधु संग देते, ना कथा देते, ना गुरु देता कंठी बनाते, ना माला देते, ना मंत्र देते। अगर सब दिया है तो प्रभु ने संकल्प ले लिया कि आपको निकालने का, आपकी इच्छा है या नहीं है, लेकिन प्रभु ने संकल्प ले लिया कि तुम्हें निकालने का, तभी यह तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था की है तुम्हारे लिए। तो ये आप सोचो कि ये बहुत पॉजिटिव जो है कि लक्षण है कि हमारा उद्धार होने वाला ही होने वाला है। लेकिन एक चीज है कि सावधान है ना, कि नाम के बल पे अपराध नहीं करना। हाँ जी ठीक है मैं नाम जप कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा पाप कर लूँ, थोड़े से गलत काम हो गए तो क्या हो गया, ना नाम के बल पे पाप करना ये भयानक नाम अपराध है। ये 10 नाम अपराधों में एक नाम अपराध आता है, हम पढ़ेंगे वह प्रसंग आगे चल के आएगा। नाम के बल पे जो अपराध करते हैं बहुत भयानक होता है वो। वैसे पाप तो नष्ट हो जाते हैं लेकिन जो नाम के बल पर अपराध करते हैं उनके जल्दी क्षमा नहीं होते, उनका बहुत दुख मिलता है। इसलिए मनुष्य का कभी अभिमान है, अरे मैं तो इतनी माला करता हूँ थोड़े पाप की तो क्या गया, गलत है। आप कोई अधिकार नहीं है नाम के बल पे पाप करने का, ये 10 नाम अपराध में से एक होता है। द ड्यूटी ऑफ अ हाउस होल्ड वैष्णव, जो एक गृहस्थ वैष्णव का कर्तव्य क्या है। अ हाउस होल्ड वैष्णव शुड ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड इन फॉलोइंग हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। एक गृहस्थ वैष्णव को अपना कर्तव्य करना ही पड़ेगा जो उसका कर्तव्य है। अकॉर्डिंग टू हिज फाइनेंशियल कैपेसिटी ही शुड सर्व हिज गेस्ट एंड सो ऑन। अपनी योग्यता के अनुसार उसको अतिथियों की सेवा सत्कार या साधु सेवा करनी चाहिए अपनी क्षमता योग्यता के अनुसार। इंटीमेट एसोसिएशन विद वन लेजिमेट वाइफ डज नॉट हैम्पर हिज डिवोशनल सर्विस, यानी अपनी विवाहित पत्नी के साथ करीब होना, संबंध होना कोई भक्ति में वो विघ्न रुकावट नहीं है। द
देखिए परस्त्री का संग करना बहुत बड़ा विघ्न है, रुकावट है, और 100 कल्प तक रौरो नरक में वास करोगे 100 कल्प तक। जो इंसान किसी को भजन में विचलित करने का प्रयास करता है वो ये भूल जाता है कि वो अपना पतन करवा रहा है। हमें भक्त को भजन में चलने की सहायता करनी चाहिए, ना कि रोकने की, ना विचलित करने की, ना प्रलोभन देने की, लालच देने की, विचलित करने की। और जो इंसान विचलित हो जाता है किसी के बहकावे में आके, वो बहुत बड़ा मूर्ख है, वो अपना खड्डा खुद खोद रहा है। उसका साधु संघ कमजोर है, उसका भजन कमजोर है, तभी वो विचलित हो रहा है। इसलिए धर्म का त्याग करना पड़े तो धर्म का भी त्याग कर दो, लेकिन ईश्वर का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। आप देखो भरत ने अपनी माँ का त्याग किया, उसने राम का भजन करने से रोका, भक्ति सेवा करने से, तो उन्होंने माँ की बात नहीं मानी और राम जी का पक्ष लिया। विभीषण ने भाई का साथ छोड़ दिया, जबकि शास्त्र कहता है भाई की आज्ञा माननी चाहिए, और राम के पक्ष में आ गए। और राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया, उन्हें कहते विष्णु इसको दान मत कहना, कहते विष्णु जब खड़े तो विष्णु को छोड़ के मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। जो गुरु विष्णु के प्रति समर्पित होने से रोकता है या हरि भजन कर रोकता है, उस गुरु का भी त्याग में कोई दोष नहीं है। और उन्होंने राजा बलि ने त्याग कर दिया और चले गए विष्णु के पास, सब कुछ अर्पण कर दिया। और प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, उन्हें हरि भजन करने से रोका, तो उसने पिता की आज्ञा नहीं मानी, कष्ट, लेकिन कष्ट कहाँ लगे। जो भगवान की भक्ति में लीन होता है उसे कष्ट कहाँ महसूस होते हैं। हमें लगता है हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि मैं आसक्त हूँ, हमारा अहम है बहुत ज़्यादा, उसने ऐसे कैसे बोला, वो कौन होता बोलने वाला, उन्हें ऐसे कैसे व्यवहार के। तभी है विपत्ति कब, हनुमान जी कहते जब प्रभु का भजन स्मरण न हो। प्रभु का भजन स्मरण होगा संसार की बातें याद आएगी, और संसार की बातें दुखी तो देंगी, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने अब दुखी हो गए, तब तुम मूर्ख थे। अगर तुमने प्रभु का भजन में लगे रहते तो वो याद ही आती, तो दुखी कोई कर सकता है। हमें दुख कोई नहीं था, हम अपने दुख के कारण खुद बन रहे हैं। प्रभु का स्मरण छोड़ के पुरानी कोट पटांग की बातें याद करके हम दुख का कारण किसने का, प्रभु की लीला पढ़ती जो पढ़ी वो सुनते, धाम दर्शन किए, उसका चिंतन करते, कितनी चीजें थी चिंतन करने लायक, बार बार जाते धामों में, अलग स्थानों में, उसका चिंतन, कितनी कथाएं पढ़ते सुनते, उन लीला कथा का चिंतन करो, कि कहां से दुख आएगा। दुख हमें कोई नहीं दे रहा, मेरा मन मेरे दुख का कारण है, और मेरा मन ही मेरे सुख का कारण है। मेरी आसक्ति संसार में दुख का कारण है, वही आसक्ति भगवान में हो जाए वो भक्ति कहलाती है, उसको मोह कहा गया उसको भक्ति कहलाती है। तो प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं मानी, गोपियों ने अपने पति की बात नहीं मानी, और कृष्ण के पास चले गए, और चारों के चारों शेर भक्त हैं, और सबसे बंदे तो गोपी हैं, क्योंकि कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया। हम लोग छोड़ पाते नहीं, छोड़ पाते हैं कुछ नहीं, छोड़ पाते हैं हम दोस्तों को नहीं छोड़ पाते, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ पाते, घर के सदस्यों को नहीं, धन किसी को छोड़ नहीं पाते, तो काहे के हम भक्त हैं, कौन सी दृष्टि से भक्त हैं। गोपियां एक पल में कृष्ण ने बुलाया, उसके तुरंत दौड़ी गई। वही इंसान दौड़ता कृष्ण के पास जिसके मन में प्रेम होता है। हर मनुष्य की यात्रा अकेली होती है, अपनी अकेली यात्रा होती है, दूसरे के भरोसे में मत चलो, वो चलेगा तो मैं चलूंगा, वो करेगा तो मैं करूंगा, वो नहीं करेगा तो मैंने नहीं करना, ये भरोसे में बात धोखा ही खाओगे। आपकी आयु 2 घंटे की, उसकी आयु 20 साल होगी, उसको कितना मौका मिलेगा, तुम तो वंचित रह गए, है ना, उसको क्या कृपा मिलने की आगे तुम्हें क्या पता। तुमको तो 2 घंटे 2 दिन की आयु है, 2 दिन बाद तुमने छोड़ के चले जाना है, तुम उसके भरोसे क्यों रहकर धोखा खाया। तो आध्यात्मिक पथ पे मनुष्य को अकेले ही चलना चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, भगवान से ही आसक्ति होनी चाहिए, किसी और से नहीं होनी चाहिए, तब उसका जीवन सार्थक है। हम भगवान से रिश्ता जोड़ने आए हैं, संसार से रिश्ता जोड़ने नहीं आए हैं। हमने बेवकूफ़ी ये की भगवान से रिश्ता जोड़ा नहीं और संसार से रिश्ता जोड़ लिया, जबकि मैं जीवात्मा हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ,
जैसे ये कोई बोलता मैं शरीर, मेरा शरीर यानी मैं भिन्न हूँ शरीर से, मैं जीवात्मा, मैं भगवान का अंश हूँ, मेरा संबंध केवल और केवल भगवान से था, भगवान से है और भगवान से ही रहेगा, क्योंकि मैं उसी का अंश हूँ। बाकी जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं, दोस्त बन के, रिश्तेदार बन के, घर के सदस्य, वो कर्म अनुसार आ रहे हैं और कर्म अनुसार बिछड़ जाएंगे। इसलिए किसी से भी रिश्ता बहुत ज्यादा जोड़ो, कर्तव्य ड्यूटी करो, लेकिन आसक्ति भगवान से करो। वो मुश्किल आप बोलते हो आसान है, भैया ये चीज कथा सुनते सुनते जप करते करते ये हरिनाम आपके हृदय के भाव को बदलेगा। मैंने बोली है बातें, जो बोली ये जरूरी कि आप कल से वही करोगे या वैसा करना शुरू करोगे, लेकिन बार बार सुनने से, कंटिन्यूस जप करने से ये गुण, ये स्थिति हृदय की अपने आप हो जाती है कि आपका भगवान में आसक्ति बढ़ जाती है, संसार कट जाती है। अगर आप संसार से आसक्ति नहीं कटाओगे, प्रयास करोगे, तो प्रभु मार मार के आपको काटेंगे, इतना आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे, जो आप करोगे उल्टा हो जाएगा, जो होगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, जब जब तू संसार में जाता है तुझे जूते पड़ते हैं, तो भगवान की तो देखो इशारा समझ नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं वो मुझे बुला रहे, बुला तो क्या, दुनिया बहुत तो बुलाएंगे, बहुत तो करते हैं, जो ड्रामे करने वाले झूठी स्नेह दिखाने संसार में सभी है, क्योंकि सबको अपने स्वार्थ से कोई नाता जोड़ता है। अगर पता चल जाए कि मेरा आपसे कोई स्वार्थ पूर्ति होने वाली नहीं है, मैं कभी आपके पास आऊंगा भी नहीं, शक्ल भी देखूंगा। लोग यही सोच के एक दूसरे के आते ना कि इससे मेरा कोई स्वार्थ पूरा हो रहा है या आगे चल के होगा, मैं इसकी हेल्प करता हूँ, आगे चल के मेरे को स्वार्थ की पूर्ति से हो जाएगी, इससे तो मैं करता हूँ, वो स्वार्थ लेके तो कर रहे हैं, क्या करे। जहाँ पे पता चले मेरा कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं होगा, कोई किसी की शक्ल भी देखेगा, इसका मतलब यही है कि हम केवल कृष्ण हमारे हैं और मैं कृष्ण को, मेरा और कोई नहीं है, मुझे केवल कृष्ण की सेवा करनी, कृष्ण से संबंध रखना है, कृष्ण से प्रेम रखना और किसी से नहीं करना। व्यवहार करो, ड्यूटी करो, जो सेवा करो, जो जो ड्यूटी है, लेकिन आसक्ति भगवान से को कथा सुनो, जप करिए, ये भगवान की कृपा से हृदय अपने आप परिवर्तित होएगा। मैं केवल समझा रहा हूँ, बुद्धि तक बात उतरेगी, हृदय में अभी नहीं उतरेगी, लेकिन हरिनाम करते करते कर जैसे जैसे अंतकरण की शुद्धि होगी, वो चीज हृदय में उतरनी शुरू हो जाएगी, धीरे 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 हर चीज होती है, एकदम में नहीं होती, भगवान की कृपा से होती। आपकी भक्ति की तीव्रता पर निर्भर करता है, आप कितनी तीव्रता से भगवान का भजन करो, ये सब उस पर निर्भर करता है। कई तो हाँ ऐसे होते हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही, हाँ 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 करते हैं, आप सही बोलो, वैसा करना चाहिए, बिल्कुल करेंगे, लेकिन जब उनके खुद के बात करते नहीं है, बाकी वो देखो कुछ समझ ही नहीं, कथा सीधी सी बात है, हाँ बहुत अच्छी कथा की, बहुत अच्छा बोलो, सही बोलो, सही बोलो, ऐसे ही, तो फिर तुम करो ना भजन, तुम क्यों आसक्ति जोड़ो, क्यों तुम प्रभावित हो रहे हो लोगों को देख के, क्यों दुखी हो रहे हो लोगों को लेके, दुखी हो रहे हो मुझे बताओ। अरे तुम दुखी होते प्रभु नहीं मिले, तो प्रभु मिल गए होते, प्रभु के लिए कोई दुखी नहीं हुआ, अरे हाय इतने दिन बीत गए, इतने जन्म बीत गए, प्रभु मिले नहीं, ना प्रेम है, ना व्याकुलता है, ना दुख है प्रभु के मिलने का, और हम लोगों के लिए दुखी हो गए, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। काश ये दुख प्रभु के लिए होता, मेरे को प्रभु कब मिलेंगे, ये जीवन व्यर्थ चला गया, इतना जीवन बीत गया, किसी के 40 साल हो गए, किसी के 50, किसी के 60, किसी के 70, मुझे प्रभु नहीं मिले, ये जीवन भी मेरा व्यर्थ जाएगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अरे उसके थोड़ी भी व्याकुलता होती, असली अश्रु बहाए होते प्रभु के लिए, प्रभु के लिए दुख उठाया था, प्रभु मिल गए होते, हमको नहीं है वो चीज, इससे नहीं मिल रहे। क्योंकि जब तक जीव के अंदर प्रभु का प्राप्त करने के लिए व्याकुलता नहीं होती, प्रभु क्यों आएंगे, केवल मुंह से बोल दे प्रभु आओ आओ तो थोड़ी आने वाले हैं, वो प्रेम चाहिए, वो व्याकुलता चाहिए। क्या तुम्हारे अंदर वो प्रेम है, वो व्याकुलता है, नहीं तो फिर क्यों आएंगे, सिर्फ मुंह से बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। और इंसान हाजी हाजी करके वो किसी को धोखा नहीं देता, जीव अपने आप को धोखा दे रहा है, एक बार याद रखना। अंत समय में तुम धर्मराज को बता देना, मुंह दिखाना, बोलना कि मैंने क्या गलती की है, मेरे से हुई है, मेरे को मनुष्य श्री मिला भजन करने के लिए, लेकिन मैंने किया नहीं, मैं क्या, मैं बहुत बड़ा गलती हो गई, जिसके लिए मैंने अपना जीवन बर्बाद किया, वो तो छोड़ के चला गया, मुझे मेरे को कोई मिलने वाला नहीं, अनंत समय तक मिलने वाले, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा बेटा हो, एक बार शरीर छोड़ गया, अनंत समय तक हम किसी को मिलने वाले नहीं है। जब मिलना ही नहीं किसी को, तो फिर किसके लिए जीवन बर्बाद करो, दो दिशा तो दूर की बात रही,
घर के सदस्य भी एक दूसरे को नहीं मिलने वाले अनंत समय तक। आप भगवत धाम चले गए तो बात अलग है, भगवत धाम भगवत स्वरूप है, उस समय तो एक ही चीज है कि कृष्ण की सेवा, एक ही चंद्र कृष्ण कैसे प्रसन्न उसकी सेवा करो, उस पर वो व्यस्त रहेगा, उसके समय नहीं कुछ सोचने के लिए। तो इंसान को अपने आप को सुधारना है, अपने अंदर खुद उसको प्रेम करना है, संसार के उसको आसक्ति घटानी पड़ेगी, रिश्तेदारी घटानी पड़ेगी, दोस्ती घटानी पड़ेगी, सब कुछ घटाना पड़ेगा, प्रभु से संबंध हमारा और गाढ़ा होना चाहिए, आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर निकलना है तो प्रभु के लिए व्याकुलता उत्पन्न होनी पड़ेगी, उस व्याकुलता के लिए प्रेम की जरूरत है। बहुत कथा सुनिए, बहुत जाप करिए, और जिस दिन प्रेम उत्पन्न हो गया आप 100% करोगे। तो कहते हैं अपनी क्षमता के अनुसार उसको अतिथि की सेवा करनी चाहिए। तो कहते हैं अपनी पत्नी के साथ संबंध होना में कोई दोष नहीं, लेकिन पर स्त्री का संग कभी नहीं, या पर पुरुष का संग हमें कभी नहीं करना चाहिए। और जो करते हैं वो भूल जाते हैं कि 100 कल्प तक रावण नरक में वास करेंगे। 1 कल्प होता है 1000 चतुर्युग, सत्यु त्रेता द्वापर कलयुग 1000 दफाए, उसे 1 कल्प बोलते हैं। तो सोचो 100 कल्प कितनी लंबा समय है, कितना लंबा समय, किसके क्षण भर के सुख के लिए तुम इतनी बड़ी नरक में वास करके समय दिखाई नहीं दे रहा। और मनुष्य छोटे मोटे अपराध तो होते ही रहते हैं दिन भर में कुछ ना कुछ, तो इससे कहते कंटिन्यूस जाप करो ताकि छोटे मोटे अपराध अपने नष्ट होए। जाप कर थक तो कथा पढ़ो, कथा पढ़ते थक तो कथा सुन लो, नहीं तो कथा करो, कुछ ना कुछ व्यस्त रखो अपने आप को, नहीं तो दिमाग संसार में जाएगा, और संसार में दिमाग गया तब बंधन में फंसे रहोगे। अपने आप को व्यस्त करना ही पड़ेगा, आपको कोई व्यस्त नहीं करने वाला, कोई पीछे नहीं पड़ेगा, कोई बोलेगा नहीं, आपको आप खुद रास्ता ढूंढना है कि मैं अपना आध्यात्मिक उन्नति कैसे करूं। और कथा में हम समझा सकते हैं, लेकिन आप चलना नहीं चलना आप पर निर्भर होता, आप कितना व्यस्त होना चाहते हो। व्यस्त होने का अभ्यास करिए, या कथा सुनो, या कथा करो, या कथा पढ़ो, या निरंतर जाप करो, मेरे कष्ट को एक क्षण भी ना भूलो। There is no harm for a householder Vaishnav to use refined mustard oil. तो कहते हैं ये सरसों का तेल प्रयोग करने में कोई दोष नहीं होता। When proper annuitants use yogurt, milk and other foodstuff, they are considered non-vegetarian by the smart. They transform into vegetarian foodstuff. तो कहते हैं स्मार्ट लोग कई चीज़ों को, दूध को, दही को, कई जैसे फल, वो सब वे तो प्राण तो होते ही हैं, लेकिन भगवद गीता में भगवान ने बताया कि सात्विक भोजन क्या होता है। क्योंकि आपको पाप तो लगे कि फल तोड़ के खा लो, जो भी है सब कुछ करो, लेकिन जो चीज़ भगवान को अर्पण कर दी जाती तुलसी डाल के, तो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। जो प्रसाद खाने में उल्टा कृपा मिलती है, अंतकर्म की शुद्धि होती है, तब दोष नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट खा रहे हो काट के बगैर भगवान का अर्पण किए, तो आप क्या खा रहे हो, पाप ही खा रहे हो। भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्पण बात कही है, जो अर्पण किए बगैर मुझे खाते वो पाप ही खाते हैं। ये जो 14 स्थान रहने के लिए वाल्मीकि जी ने अयोध्या कांड में दिया राम जी को, उस पर भी ये बात की है, जो बगैर आपको अर्पण किए भोग ग्रहण करते वो सब पाप ही तो खाते हैं। ये बात स्वयं वाल्मीकि जी भी कह रहे हैं रामचरितमानस के अंदर। भगवद गीता कहती है वाल्मीकि जी रामचरितमानस के अंदर ये बात कह रहे हैं, यहाँ पे भी ये बात कह रही है कि देखो इसे कहते हैं वेजिटेरियन होने में भी तो दोष है, क्योंकि उसमें भी तो सब्जियों में भी तो प्राण होते हैं, और सब्जियाँ काट के खा रहे हो, मात्र कम हो सकता पाप का, लेकिन पाप तो है। इसलिए कहते हैं सब्जियों का अलाउड है भोग लगाना, फ्रूट का अलाउड है भोग लगाना, दही दूध का अलाउड है। जब तुलसी डाल के भोग लगा देते हो तो सारे दोष खत्म हो जाते हैं, फिर उसको खाने में आपको कोई दोष नहीं होता। इसलिए भक्त हमेशा प्रभु का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, केवल वेजिटेरियन होना पर्याप्त ही है, प्रभु का प्रसाद ग्रहण करना बहुत जरूरी है। A householder Vaishnav always avoid committing 10 offenses against the holy name.
कहते हैं एक गृहस्थ वैष्णव जो है वो 10 नाम अपराध से अपने आप को बचाए। हम 10 नाम आगे दो चैप्टर के बाद आएगा, वो क्या है? संतों की निंदा, गुरु की आज्ञा ना मानना। गुरु कहता है हरिनाम करो, तुम संसार की चर्चा करते हो, निंदा करते हो, प्रशंसा करते हो, सब अपराध के अंदर। नाम की महिमा सुन के भी नाम को जपने, ये भी नाम अपराध आता है। नाम की तुलना अन्य क्रियाओं से करना, ये भी नाम अपराध है। कि एक ही बात है, एक ही बात है, तुम हरिनाम नहीं करो, ये सेवा वो सेवा करो, नाम है। इससे बड़ा मूर्खता चीटिंग प्रोपेंसिटी क्या हो सकती है कि नाम के की तुलना अन्य किसी क्रिया से करो, जबकि नाम की तुलना किसी वैदिक मंत्र से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि नाम किस्मत केवल नाम ही है। वैदिक मंत्र मोक्ष देते हैं, नाम प्रेम देता है। 7 करोड़ वैदिक मंत्र नाम के अंदर समाये हुए हैं, नाम प्रेम देता है। इससे नाम निज धाम में निजी सेवा में दुख करता है। वैदिक मंत्र मोक्ष दे के रिटायर हो जाते हैं, लेकिन नाम प्रेम दे के निजी सेवा में दुख करता है। इससे नाम की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। और हम कहते हैं एक ही बात है। कुछ लोग तो यह कहते तुम तो दिन में देते दो दो लाख हरिनाम करते हो, जबकि 10 वाला भी नहीं करता। क्यों, कैसे कहे? तुम ये सेवा करो, वो सेवा करो। अरे तुमने इतना व्यस्त करना, वो कथा सुन पाए ना, जप कर पा रहा है, तो फिर हरिनाम क्यों दिलाया? ये तुम सेवा, तुम उसको चीट करो, 1.5 लाख 2 लाख तुम हरिनाम करके तुम उसको मूर्ख बना रहे हो। हमने खुद देखा है, लोगों ने बोला हम तो दिन में देते दो दो लाख हरिनाम कभी करते हो? कहते 7 दिन जो सेवा वो हरिनाम ही तो है। मैं कह नहीं, ये चीटिंग है, ये धोखा है, ये संस्था चलाने के लिए आपको इस प्रकार बोला जा रहा है। वास्तव में बहुत बड़ा धोखेबाजी चल रही है। फिर गुरु जी ने माला क्यों दी तुम्हें? बोल सकते मेरी सेवा करो, मेरे से बड़ा कोई वैष्णव नहीं, मैं तो गुरु हूं, तो मेरी सेवा करो, तो माला देने की जरूरत नहीं है। और माला नहीं तो 16 दाने एक तब 4 दाने दूसरे पे लगा के दिए। महाप्रभु ने क्यों बोला कि 1 लाख हरिनाम करना चाहिए? चैत्र महाप्रभु ने क्यों बोला? हमारे सारे गुरु वर्गों ने, भक्ति प्रमोदपुरी महाराज, भक्ति वर महाराज और हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं, केशव जी महाराज और ये जितने भी हुए हैं संत हमारे हुए हैं, सभी ने 3-3 लाख हरिनाम किया। तो क्या मूर्ख है? भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी सारे 3-3 लाख हरिनाम करते 192 माला, वो क्या मूर्ख है? जगह मदाई जैसे अपराधियों को 2 लाख हरिनाम करने के लिए बोला किया, संत बने। वेश्या को 3 लाख हरिनाम करा हरिदास ठाकुर ने, तो बोल सकते मेरी सेवा करो, तुमको हरिनाम की जरूरत ही? वो बोल सकते थे तो मेरी सेवा, मैं तो वैष्णव हूँ, नाम जपने की क्या जरूरत है? क्यों बोला कि 3 लाख हरिनाम करो? क्योंकि जीव का उद्धार केवल केवल हरिनाम से होगा। जो लोग इस प्रकार धोखा देते हैं, चीट करते हैं, तुम्हें ज्यादा माला करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे तो खूब हरिनाम हो रहा है, तुम तो 2 लाख करो, 7 दिन सेवा करो, ये वो ना कथा सुनने का समय दे रहे हैं, ना नाम जप, इससे बड़ा धोखेबाजी हो नहीं सकती। ऐसे लोग जो रोकते हैं और दूसरे को रोकते हैं, उनका पहले पतन होगा। और जो लोग नहीं करते हैं वो थोड़े समय मठ में रह के फिर स्त्री संघ के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर उनका पतन होता है। क्यों होता है? इसी वजह से बुद्धि भ्रष्ट होती है। देखो मठ में पैसा दान का आता है, पहली बात तो यह है। और वो दान का पैसा किसी का पहचाना आसान नहीं है, उसको पहले तो कथा सुनाओ ताकि आप उसको कुछ उसका ऋण चुका रहे हो, क्योंकि जो पैसा कथा सुना रहे हो, केवल आप खा रहे हो उसको कथा नहीं सुना रहे हो, तो आपको उसका दोष भोगना पड़ता है, कर्म भोगना पड़ता है। या तो 64 माला के ऊपर 80-90 माला 100-100 माला करो, तब आप जाके उस अंक को पचा सकते हो। अगर वो अगर माला आपकी कमजोर है, 64 माला नहीं हो रही उससे कम, तो आपको उसके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा किसी के भी अन्न को धन को पचाने के लिए, क्योंकि हर बंदा कथा नहीं सुनेगा। लेकिन अपना भजन तो बढ़ा सकते हो उसको पचाने के लिए। आप अपनी बहन के घर में गए, भाई के घर में गए, तो भक्त नहीं है लेकिन वो कथा नहीं सुनेगा, लेकिन आप अपनी माला तो बढ़ा सकते हो, तो उसके अन्न को कैसे पचाओगे? 64 के ऊपर करोगे तो ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, उन्हें तो यहाँ तक कहता हारमोनिस में मठवासी को एक ही टाइम मठ में भोजन करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना, अगर 64 माला नहीं करा, क्योंकि उसे कर्म को ग्रहण करा है। लेकिन कैसे कोई बात मानेगा नहीं है, तो कम से कम हम तो बात मान के अपनी माला का स्तर बढ़ा ले ताकि हम पचा सके किसी के अंग को। क्योंकि खाना खा तो जाने पड़ता भाई, भाई बहन के रिश्तेदारों में कोई दांत नहीं, लेकिन उसको पचाने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। ये तो बुद्धि भ्रष्ट होगी या बीमारी लगेगी, दो में से एक चीज होती है। तो मालक अपने 64 माला के ऊपर करिए।
He accepts in that of favorable for devotional service and he rejects in that of unfavorable. जो चीज उसके भक्ति के अनुकूल है उसको वो करता है और जो चीज भक्ति के प्रतिकूल है उसका त्याग करता है। ये सबको कोई सबको एक ही ग्रंथ पसंद है ये जरूरी नहीं है। किसी को रामचरितमानस पसंद आएगा, किसी को महाप्रभु की लीला है, किसी को भागवत कृष्ण की लीला है, किसी को नरसिंह लीला है, किसी को जो लीला है पसंद आएगी। सबके भाव अलग अलग होते हैं। जो चीज भक्ति के अनुकूल है उसको ग्रहण करे और जो चीज उसे भक्ति के नहीं अनुकूल है उसको त्याग करे। सीधी सी बात, ठीक है। कथा विश्राम करता हूँ, अगली बार पढ़ेंगे। वांछा कल्पत्रु भेष्य कृपा सिंधु भयो च पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।